हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है एक रिक्वायरमेंट ही बोलेंगे, ये जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के तरफ से निकाला गया है। वो किस चीज़ के लिए है, इस वीडियो में आपको हम पूरे बताने वाले हैं। आप वीडियो को पे जो है पूरे बने रहिए फ्रेंड्स। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं ONGC की तरफ से निकाली गई है, ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है इसके बारे में हम जो है पूरे डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स ऑयल गैस कॉरपोरेशन यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अकाउंटेंट के लिए है, जो है हाफ सीट जो यहाँ देख सकते हैं, है ना। और अकाउंटेंट के लिए 20 सीट है और असिस्टेंट HR के लिए 20 सीट है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा टोटल जो है करें तो आप नॉर्थन सेक्टर में देख लीजिएगा, है ना, यानी कि देहरादून, है ना, नॉर्थन सेक्टर में जो आता है देहरादून, तो उसमें जो है इतना पोस्ट के लिए जो है इस पोस्ट के लिए 180 सीट आप जिस सेक्टर में आप भरना चाहते हैं, है ना, नॉर्थन में इधर हो गया, नॉर्थन में आ गया, तो अगर बोल दें उत्तरी सेक्टर में तो आप दिल्ली ONGC, है ना, लिमिटेड, देहरादून, जोधपुर, ये सब जो है उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी सेक्टर में है, तो आप इसमें भर सकते हैं। आप जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और बताएंगे कि आपको जो है कहाँ से ये आपको पढ़ना है, नोटिफिकेशन कैसे लोड होगा। तो ये जो है फ्रेंड्स आपको हम बता दें। फिर मुंबई सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मुंबई सेक्टर से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं आप अपना सीट के अनुसार। इसमें सारा कुछ हम बताएंगे फ्रेंड्स। इसमें जो है इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में मुंबई सेक्टर में मुंबई हो गया, गोवा हो गया, हजीरा हो गया, तो ये सब जो है मुंबई सेक्टर में है, यानी कि वेस्ट सेक्टर में है, पश्चिमी सेक्टर में है ये सब, है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा KMB हो गया, बड़ोदरा हो गया, ये सब, तो जिसमें आप जिस सेक्टर में आप भरना चाहते हैं वहाँ पे आप भर दीजिएगा। अब मूल बातें कर लेते हैं कि ये जो है वैकेंसी जो है तेल और प्राकृतिक गैस के लिए है, ठीक है, यानी ONGC की तरफ से निकाली गई है। इसमें जो है आप यहाँ पे आप सारा सेक्टर देख लीजिएगा, आप जिस जहाँ पे आपका नज़दीक होगा नज़दीकी सेक्टर में आप भर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, ये जो है एक ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रशिक्षु, है ना, ये अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। जो है फ्रेंड अगर आप ITI किए हैं तो इसे जो है बिल्कुल भर दें, और ITI में जो है कौन कौन सा ट्रेड है वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, सारा सेक्टर में जो है ITI मांगा गया है, सारा ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन रहे, चाहे फिटर रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, जो भी ट्रेड है, है ना, सब में जो है मांगा गया है। आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और ITI किए हैं या फिटर हैं, इस ट्रेड में हैं, आप ये ट्रेड देख लीजिएगा, पूरे आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF जो है हम बता देंगे कहाँ से लोड करना है। प्लम्बर हो गया, आप कौन कौन सेक्टर हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं। ITI में कौन क्या क्या होना चाहिए, तो अकाउंटेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन बता देते हैं फ्रेंड्स कि क्या होना चाहिए। आप जिस सेक्टर में भर सकते हैं वहाँ पे जो है आप उस सेक्टर में भर दीजिएगा अपना सुविधा के अनुसार। और जो है अब ट्रेड हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो इसके लिए जो है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना, आपको जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन किए अगर आप किए हैं तो जो है इसमें भर सकते हैं। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन BA होना चाहिए, अथवा BA होना चाहिए, यानी कि आप जो है BS जो है ग्रेजुएशन किए हैं, आपका BA होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तो जो है आप जो है भर सकते हैं। और फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो ITI होना चाहिए, ट्रेड स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी होना चाहिए, ITI में अगर आप स्टेनोग्राफी ट्रेड से किए हैं इंग्लिश में तो जो है आप इसमें भर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा के लिए अगर भरना चाहते हैं तो ITI इन कोपा ट्रेड में आप भर सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन की वही बात हो गई। इलेक्ट्रीशियन अगर आईटीआई है आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं आईटीआई में तो भर सकते हैं। इसी तरह जो है जिस ट्रेड में आपको भरना है उस ट्रेड का जो है आपको आईटीआई होना चाहिए तो जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। और अप्रेंटिस करने से होता क्या है कि जो भी रिक्रूटमेंट निकलती या फिर आप अप्रेंटिस किए रहिएगा तो डायरेक्ट भी आप जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए अप्रेंटिस करना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। लास्ट वाइज कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अप्रेंटिस के तौर पे जो है आपको सिलेक्शन करके ले जाती है, इसलिए जो है अप्रेंटिस बहुत अच्छी चीज़ है, ये कर लेना चाहिए आईटीआई कर किए हैं तो। अब आप जो है पूरे ट्रेड में आप देख लीजिएगा और ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे पीडीएफ लिंक, वहां से जाकर आप भर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ना, भर नहीं सकते सॉरी पढ़ सकते हैं वहां पीडीएफ लोड करके। और ऑनलाइन जो है ऑनलाइन दुकान आप जाइएगा, ऑनलाइन जहाँ होता है अपने नज़दीकी जहाँ अच्छी तरह से ऑनलाइन होता है वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। स्टाइपन की बात कर ली, इतना तो समझ में आ गया कि जिस ट्रेड में आपको भरना है उस ट्रेड का जो है आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कुछ में डिप्लोमा खोजा गया है, डिप्लोमा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो है खोजा गया है, यानी डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। यहाँ पे डिप्लोमा कुछ ट्रेड जो है कुछ आपका डिपार्टमेंट ट्रेड में खोजा गया है, बाकी सब में आईटीआई खोजा गया है। जिस जिस में आईटीआई खोजा गया आप भर सकते हैं, और फिर बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ लिंक जो है डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ कि जो है आपको यहाँ पे जितने भी ट्रेड है वो सब कर सकते हैं। रही अब बात करते हैं स्टाइपन की, तो जो है एक्ट 1961 के तहत में जो आपको स्टाइपन मिलता है वही जो है स्टाइपन आपको मिलेगा, है ना। तो ये आपका सिलेक्शन बोल देते तो ये जो है कोई परीक्षा नहीं होगा इसमें, इसमें जो है मेरिट बेस पर होगा आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट आईटीआई में जो नंबर रहेगा उसी के बेस पर होगा। और अगर दो कैंडिडेट का एक ही समान अंक मिलता है तो जो है जिसका जो है जो सीनियर कैंडिडेट होगा जो एज जो है जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। तो इसमें यही बात है फ्रेंड, है ना, पहले उसकी प्रायोरिटी उसकी उसको दी जाएगी। जनरल अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी तरह का कोई भी आपको अलग से जो है कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जो है आपका स्कॉलर ही मिलेगा, स्टाइपन ही मिलेगा, जैसे एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर लिख दिया है उसी के तहत आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको 1961 के तहत में जो आपका भत्ता दे होता है स्टाइपन मिलता है उसी के अनुसार में आपको मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपको ये केवल ट्रेनिंग के लिए है, आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो जो है आपको फिर आप जो है अपना ट्रेनिंग पूरा करके वापस आ सकते हैं। बस ये ट्रेनिंग के लिए है, प्रशिक्षु के लिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये कोई जॉब है। ओके फ्रेंड्स, आप ट्रेनिंग कर लीजिए, अप्रेंटिस के लिए है, तो यही बताना था। और डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे तो लिंक वहाँ से देख लीजिएगा। और टोटल सीट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपना देख लीजिएगा कि किस जोन में भरना है, उस जोन का यहाँ पे पूरा सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात अगर हम करते हैं तो आपका जो है न्यूनतम जो है 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 24 साल होना चाहिए। और बता दें कि एससी और एसटी के लिए जो है 5 साल का छूट भी है फ्रेंड, तो ये बातें याद रखिएगा। और अगर बता देते हैं कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एससी में हैं उसके लिए 10 वर्ष है, सॉरी अगर आप जनरल में 10 वर्ष है, पीडब्ल्यूडी अगर हैं एससी अपना कोटा में तो उसके लिए 15 वर्ष है। और अगर आप और जो है ओबीसी के लिए 13 वर्ष है, तो ये इस तरह जो है आपका जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इस तरह आपका छूट मिलेगा, है ना। तो ये सारा जानकारी आपको पूरा हो गया होगा, पीडीएफ में जो है आपको दे देंगे, आप वहाँ से पूरे पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। और बता दें कि आपको जो है 17/8/1996 का जन्म होना चाहिए,
इस 96 और 20 जोड़ लीजिए तो 24 साल जो है आपको होना चाहिए अधिकतम, ठीक है। और अगर 18 न्यूनतम की बात करें तो ये जो है आपका 17/8/2002 से जन्म होना चाहिए अभी तक में, तो ये 18 साल अगर आपका होता है 2002 से जन्म तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा जानकारी जो है आपको पूरा हो गया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह का जो है रिक्वायरमेंट्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है रिक्वायरमेंट्स अपडेट जो है हम आप लोग को देते रहते हैं और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग और सटीक जानकारी दी जाती है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।